है, पर मैंने छपने नहीं दी पर भी लगी मेरे हिसाब से नहीं है लिखी गई आप क्या सोच के अपनी पत्नी पर एक बुक्स लिखते हैं? मैं ये चाहता था कि डोगरा नारी कैसी होती है, उस पर कितना पारिवारिक बोझ होता है और कैसे उसको अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है, क्योंकि उसका सम्मान दो परिवारों से है, मायके से है, पत्नी पर होता था, पत्नी पर होता था। तो मैंने इनमें जो देखा वो मैंने लिख दिया। मैं ये नहीं देखा इनको जो मैंने लिखा है पसंद है या नहीं है, मैंने झूठी तारीफ की। आप क्या लगता है, सब हर आप हर कोई आपको देख रहा है, क्या जो पत्नी पर आपने जो भी पुस्तकें लिखी हैं क्या कभी पब्लिश होगी वो? जी इन पर निर्भर करता है, पांडुलिपि इनके पास है। क्या आप पब्लिश होने देंगे? जैसे मैं चाहती हूँ वैसे नहीं लिखी थी इन्होंने, मैंने छपा। आप क्या चाहते थे, क्या लिखाना चाहिए था? जो ऐसे घर में बहुत ऐसी बात, नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक स्ट्रीट समाचार और मैं हूँ स्वप्निल पछियाला। बात की जाए डोगरा की, तो डोगरा डोगरी को लेकर हर कोई इस वक्त प्रमोट करने को लगा है, और कहीं ना कहीं विदेशों की बात की जाए तो विदेशों में जो लोग बसे हैं वो भी अब डोगरी को जो है प्रमोट करते नजर आ रहे हैं। वैसे एक शख्सियत मेरे साथ आज मौजूद हैं। सर पहले तो स्टेट समाचार में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपने इनका चेहरा पहचान ही लिया होगा, आखिरकार ये मेरे साथ कौन बैठे हैं? शिवदत्त निर्मोही जी, जिन्हें कल ही पद्मश्री अवार्ड इन्हें दिया गया है। मैं आपको बताता चलूं, 2020 में घोषित किया गया था इनके लिए जो कि पद्मश्री अवार्ड को लेकर, और अब एक साल हो चुका है। सर पहले मुझे बताएं, पूरा एक साल हो गया वेट करते हैं आपको कि आपको 2021 में पद्मश्री अवार्ड दिया जाएगा, तो एक साल के अंदर कितनी एक उत्साहित थे आप, कितना मतलब क्या सोच जाते थे कि अगले साल मुझे पद्मश्री अवार्ड दिया जाएगा? उन्होंने मुझे 3 अप्रैल 2020 को बुलाया था। ऐसा हुआ कोरोना के कारण ये कार्यक्रम समारोह जो था ये स्थगित हो गया, और उसके बाद मुझे भी पता था कि प्रोग्राम अब स्थगित है। मैं अपने लेखन कार्य में शोध कार्य में लगा रहा, मुझे ये याद ही नहीं रहा कि ये कार्यक्रम कब होना है, कौन करेगा, लेकिन मैं मेरी पुस्तकें जो थी ना वो छपती रहीं। 2020 में मेरी 5 पुस्तकें छपी, जिसमें एक पुस्तक जो थी उसका नाम था डुग्गर के शहीदी स्मारक, डुग्गर की ऐतिहासिक समाधियाँ, डुग्गर के सर, डुग्गर के ये तालाब, और एक थी डुग्गर की ऐतिहासिक समाधियाँ। तो मैं व्यस्त रहा, ये मेरा काम चलता रहा। अब जब 21 आया तो फिर मेरी 3 किताबें छप करके आ गई, एक थी उधमपुर संस्कृति और विरासत, एक थी डुगर की पराविद्या, एक थी डुगर की बावड़ियाँ, 2 मेरी किताबें छप रही हैं। तो अब 15 दिन पहले मुझे गृह मंत्रालय से एक सूचना मिली कि आपको 8 तारीख को हम बुला रहे हैं पद्म पुरस्कार के लिए। तो फिर मेरा ध्यान टूटा कि मैंने उधर भी जाना है, तो उनके पत्र मुझे आते रहे, संपर्क उनके साथ मेरा बना रहा। 6 तारीख को मैं गया शाम को, 7 को मैं वहाँ पर पहुँचा, 7 को ही उन्होंने अशोका होटल में मेरे रहने की व्यवस्था की थी, और कई टीवी चैनल्स वहाँ पर भी आते रहे और साक्षात्कार होता रहा, बातचीत होती रही। फिर 8 तारीख को 5 बजे के हमारा समारोह होना था, तो उन्होंने हमें 3 बजे ही बुला लिया। तो 3 बजे पहले तो हमें रिहर्सल दी गई कि आप कैसे वहाँ पर खड़े होंगे, पुरस्कार कैसे आपने ग्रहण करना है। तो ठीक जब 5 बजने वाले ही थे तो पहले गृह मंत्री जी आए अमित शाह, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, फिर राष्ट्रपति जी आए, फिर कई और दूसरे मंत्री जो थे मंत्रिमंडल के, उपराष्ट्रपति भी आए। तो पे रुकता हूँ आपको, जिससे हमने बताया वहाँ पर गृह मंत्री भी आए, प्रधानमंत्री भी आए, कितनी खुशी हुई मतलब जब आपके सामने प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी वहाँ पर थे, अमित शाह जी वहाँ पर थे, राष्ट्रपति वहाँ पर थे, किस तरह का एक आपके मन में एक बात चल रही थी, किस मतलब कैसा महसूस कर रहे? पहली बात यह है कि ये पहला अवसर नहीं था,
मैं पहले भी 1990 में चंद्रशेखर थे प्रधानमंत्री, तभी मैं पुरस्कार लेने गया था। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तभी मैं पुरस्कार लेने गया था। और इस तरह से प्रधानमंत्री से मिलना, बात करना, केंद्रीय मंत्रियों से बात करना, राज्यपालों से बात करना, ये मेरे लिए कोई नया अनुभव नहीं था। तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं राष्ट्रपति के पास गया तो वो पुरस्कार देने के लिए मुझे, जब वो खड़े हुए मुझे कहने लगे, नरमोही जी मैं तो आपके लेखन कार्य से बहुत प्रभावित हूँ। मुझे ये लगने लगा कि उन्होंने मेरा नाम लिया, तो मैंने उनको पुस्तकें भेजी भी थी, तो मुझे लगा कि उन्होंने उनका अवलोकन अवश्य किया होगा। तो उसके बाद समारोह के बाद जब हम चाय पीने लगे तो प्रधानमंत्री घूम रहे थे, उन्होंने मैं कहा आप जम्मू कश्मीर के आइए ना पास, तो मैं उनके पास चला गया। फिर मैंने उनको कहा कि आप तो हमारे गाँव में भी आए हुए हैं, तो फिर मैंने उनको बताया कि दीक्षांत समारोह था माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय का, वहाँ पर भी मैं आपसे मिला था, नारायण अस्पताल का समारोह हुआ उद्घाटन समारोह, उसमें भी आप थे। तो इस तरह से प्रधानमंत्री मुझसे घुल मिल गए, दूसरे मंत्री भी घुल मिल गए। मुझे ये नहीं लग रहा था कि मैं कोई नए लोगों से मिल रहा हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोहन मोदी के गांव में जो बड़नगर में है वहाँ पर भी मैं गया हूँ, उनके भाइयों से मिला हूँ, उनके परिवार से मिला हूँ, उनके मित्रों से मिला हूँ। तो ये मेरा आना जाना जो है पूरे भारत में पूरा वर्ष चलता रहता है, तो खुशी भी होती है। जहाँ पर भी कोई साहित्यिक समारोह होता है वहाँ जा तो मुख्यमंत्री होता है, जहाँ राज्यपाल होता है वो घरों में भी बुलाते हैं, कई मंत्रियों के घरों में मैं जाता हूँ, कई मुख्यमंत्रियों के घरों में भी जाता हूँ, राज्यपाल भवन से भी मुझे निमंत्रण मिलता है, वहाँ पर भी चला जाता हूँ। एक साहित्यकार के नाते मुझे पूरे भारत में घूमने फिरने का, बहुत से लोगों से, साहित्यकारों से, बुद्धिजीवियों से, राजनीतिज्ञों से मिलने का मौका प्राय मुझे मिलता रहता है। देखिए अब कल आपको वहाँ पर पद्मश्री अवार्ड मिलता है, उसके बाद किस तरह का महसूस करते हैं आपको कि आपको वहाँ पर पद्मश्री अवार्ड जो है दिया? एक तो बात ये थी कि जो पुरस्कार लेने आए थे उनमें से बहुत कुछ लोग ऐसे थे जो मेरे पूर्व परिचित थे, वो विश्वविद्यालयों से संबंधित थे, मैं भी विश्वविद्यालय में चला जाता था, ये तो प्रसन्नता हुई मुझे। जैसे कि हिमाचल विश्वविद्यालय से राजेंद्र मिश्रा जी थे, उनसे मैं मिला था, पहले वो इंडोनेशिया में थे, बाली में थे, मेरा उनसे पूर्व परिचय था, मेरे साथ उनका पत्र व्यवहार हुआ था। इसी तरह से मैं जैसे जम्मू में घूमा हूँ गाँव में, ऐसे मैं गुजरात में घूमा हूँ, महाराष्ट्र में घूमा हूँ, जो जनजातियाँ उनमें घूमा हूँ, आदिवासियों से घूमा हूँ, तो वो मुझे सारा एक तरह से एक परिचित परिवार लगा, क्योंकि मैं उन विभागों में चला जाता था जहाँ जनजातियों पर काम होता था, जैसे गुजरात विद्यापीठ में होता था तो वहाँ जो परिचर्चाएँ होती थी वो मुझे भी आमंत्रित करते थे, तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं एक घरेलू वातावरण में बैठा हूँ। जी हाँ, चलिए एक सवाल करूँगा जी, विदेशों में कई लोग हमारे यहाँ से जो है वहाँ बसे हुए हैं, और वो लोग अब से कई सोशल मीडिया में भी देखने को मिलता है कि वो डोगरी को प्रमोट कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को? जी देखिए, विश्नाह की एक लड़की है मनु खजूरिया, वो मेरे पास भी आई थी, वो लंदन में रहती है, उसने डुगर चैनल जो है ना वो चला रही है, और 80,000 के लगभग उसके श्रोता हैं, दर्शक हैं, वो देखते हैं और बड़े उत्साह के साथ देखते हैं। जो मुझे स्वयं जो विदेशों से विद्यार्थियों के मित्रों के जो संदेश मिलते हैं, जब वो वार्तालाप करते हैं, वो डोगरी में रियासी दी हैं, वहाँ तू मेरे को पढ़ी दी है, नहीं मेरी बड़ी भैन थोड़े को पढ़ी दी है, इस तरह से वो जो जब बात वो डोगरी में करती हैं ना, तो ये लगता है कि अपनापन आ जाता है। मैं जहाँ पर भी जाता हूँ, गुजरात में जाता हूँ डोगरों को ढूंढता हूँ, वो मुझे अपने घरों में बुलाते हैं, मैं महाराष्ट्र में जाता हूँ डोगरों को ढूंढता हूँ। हाँ, जब आप घूमने जाते हैं, अगर हम जम्मू की बात ना करें, अलग अलग जगहों पर जाते हैं, वहाँ पर जब आपको डोगरे मिलते हैं तो कितना अच्छा लगता है आपको? जब नहीं ऐसा है, वो घरों में ले जाते हैं, पारिवारिक संबंध बन जाते हैं, वो मेरे पास आते हैं, मेरा बेटा गुजरात में है, वहाँ पर मैंने देखा, वहाँ पर उन्होंने कश्मीरी भवन बना लिया, कश्मीरी पंडितों ने 150 घर हैं और वो इकट्ठे होते हैं। मैंने भी प्रयास किया कि जितने भी गुजरात में डोगरे हैं इनको इकट्ठा किया जाए, तो मैंने कई डोगरों को बुलाया, मेरे बेटे के घर आया, हम मिले,
बैठे, ये देखा कोई जो था यहाँ पुरमंडल का था, कोई विश्नाह का था, कोई हंसाली के लोग थे, वो वहाँ पर गुजरात में बसे हुए थे। मैं उनके घरों में जाता हूँ, वो हमारे घर में आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, पारिवारिक संबंध बन जाते हैं। तो जब कल वहाँ पर राष्ट्रपति भवन गए थे तो क्या पूरी फैमिली आपके साथ गई थी? कौन कौन आपके साथ गया था? जी, एक तो मेरी पत्नी गई थी, उनका नाम अनसुईया शर्मा है, वो पहले भी गई हैं, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समारोह में वो गई थी, बहुत प्रसन्न हुई थी, प्रधानमंत्री भी उनसे मिले थे, और बिल्कुल एक ये मैं कहूँगा कि पौराणिक नारी हैं, जैसे पौराणिक युग में अनसुईया हुई हैं, एक पतिव्रता सेवा करने वाली महिला, ऐसी ये मेरी पत्नी हैं, मिलती हैं प्रधानमंत्री से, मिलती हैं राष्ट्रपति से, मिलती हैं, उनको देखती हैं। मेरे बेटा जो है ये भी मेरे साथ था, नलिनाक्ष, इसने प्रधानमंत्री से 3 मिनट बात की, राष्ट्रपति से 2 मिनट बात की। तो इस तरह से परिवार जो है वो मेरा जब मेरे साथ जाता है तो वो ये जो हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनसे जो घुल मिल जाते हैं, बात करते हैं। पहले पत्नी जी से बात कर लीजिए। जी, आपका विशेष समाचार में स्वागत है। देखिए, जब आप इनके साथ राष्ट्रपति भवन जाते हैं, इनको पद्मश्री अवार्ड जब वहाँ मिलता है, तो किस तरह का महसूस कर रहे थे आप? बहुत अच्छा लगता है। ये मैं एक बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे पति जो हैं ये शुरू से ही पढ़ने लिखने में ये ठीक है, लिखना पढ़ना काम इनका यही है कि लिखना पढ़ना ही है ज़्यादा, तो अवार्ड भी इनको बड़े मिले हैं और ये बड़ा अवार्ड है। तो मैं तैयार थी जाने के लिए, तो ये बोले क्या करना है जाके, ये घर में बैठो, घर में कोई नहीं है, तो इधर ताला लगा के नहीं जाना है। तो ये मेरी बहू आई तो वो घर में रही, तो मैं इनके साथ गई, वो नहीं आती तो मैंने नहीं जाना था, मैं घर में ही। क्या बात है। नहीं देखिए ना, जब आप वहाँ बैठे हुए थे और निर्मोही साहब वहाँ पर जाकर राष्ट्रपति जी से पद्मश्री अवार्ड ले रहे थे, तब किस तरह की फीलिंग आप में आ रही थी, किस तरह का महसूस उस वक्त आपके? बड़ा अच्छा लगा, फूंक तालियां भाई। धन्यवाद जी। अब मेरे साथ अनिल पापा जी भी हैं, जो कि लगातार जब भी निर्मोही जी का नाम आता है तो वो भी, अनिल पापा जी भी इनके साथ ही रहते हैं, और कहीं ना कहीं कई पुस्तकें भी जो हैं अनिल पापा जी पब्लिश कर चुके हैं, इनसे मैं बात करूंगा। अनिल जी लिखी है पर मैंने छपने नहीं दी, वहाँ पर भी लिखी, मेरे हिसाब से नहीं है लिखी गई, अपने हिसाब से लिखी है। जी आप क्या सोच के अपनी पत्नी पर एक बुक लिखते थे? मैं जी चाहता था कि डोगरा नारी कैसी होती है, उस पर कितना पारिवारिक बोझ होता है और कैसे उसको अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है, क्योंकि उसका सम्मान दो परिवारों से है, मायके से है, ससुराल से है, एक्सपेरिमेंट होता था, पत्नी पर होता था। हाँ, पत्नी पर होता था। तो मैंने इनमें जो देखा वो मैंने लिख दिया, मैं ये नहीं देखा इनको जो मैंने लिखा है पसंद है या नहीं है, मैंने झूठी तारीफ इनकी नहीं की, जो यथार्थ में था वो मैंने लिखा, इनको पढ़ने को दिया, इन्होंने वो किताब नहीं छपने दी, अभी तक छुपा कर रखी है। तो क्या आप क्या लगता है, सब हर हर कोई आपको देख रहा है, क्या जो पत्नी पर आपने जो भी पुस्तकें लिखी हैं क्या कभी पब्लिश होगी वो? जी इन पर निर्भर करता है, पांडुलिपि इनके पास है। तो क्या आप पब्लिश होने देंगे? नहीं होने देंगे। जैसे मैं चाहती हूँ वैसे नहीं लिखी थी इन्होंने, मैंने नहीं छपा। आप क्या चाहते थे, क्या लिखाना चाहिए था? जो ऐसे घर में बहुत ऐसी बातें होती हैं जो क्या बात है, क्या? अनिल जी क्या कहना चाहेंगे निर्मोही जी को, जो कि कल पद्मश्री अवार्ड दिया गया, कितनी खुशी की बात है उधमपुर के लिए? सबसे पहले आपने बोला कि जब भी निर्मोही जी का नाम आता है तो मेरा नाम उनके साथ जुड़ा है, तो ये मेरा सौभाग्य है कि उनके साथ मेरा नाम जुड़ा है, क्योंकि मुझे लगभग 31 वर्ष हो गए उनके साथ इस साधना में लगे हुए। कहीं जंगलों में जाना हो या बर्फीले पहाड़ों में जाना हो या दूर दराज के इलाकों में जाना हो तो हम अक्सर इकट्ठे ही जाते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जो इनकी साधना है वो साधना भी दो प्रकार की होती है, एक तो भगवान में लीन वो पहले ही थे, और उसका नतीजा था कि इन्होंने अपना कर्म योगी जो सिद्ध हुए जो अपने लेखनी में या अपने काम में या जो डुग्गर के इतिहास लिखने में इन्होंने जो काम किया, तो वो एक सबसे बड़ा इनकी एक साधना का वो था कि जो वो कर रहे थे। जब भी मैं घर में आता था बड़े आराम से बैठा था, और इनकी धर्मपत्नी हमेशा बिना खाए पीने कभी उन्होंने भेजा नहीं और कभी भी चू नहीं करते थे कब किस टाइम आप आ गए हो, नहीं तो अक्सर घरों में होता है कि जब जाते हो तो परेशानी हो जाती है घरों में, तो मैं अक्सर दूसरे तीसरे दिन आता, आज भी 2 दिन पहले मैं इनके साथ ही था जब ये पद्मश्री लेने जा रहे थे, तो 2 दिन के बाद जब मैंने देखा कि कल न्यूज़ पे DD न्यूज़ पे इनका जो पद्मश्री राष्ट्रपति जी खुद देने आ रहे थे,
तो मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि जैसे ये अवार्ड मुझे मिल रहा है, क्योंकि मुझे लगातार इनके साथ 31 वर्ष हो गए। और जब एक गुरु को सम्मान मिलता है तो शिष्य का क्या रिएक्शन होती है ये उसी को पता है, या शिष्य को जब अवार्ड मिलता है तो गुरु की क्या रिएक्शन होती है। मैं काफ़ी इमोशनल था और इसका जो नतीजा था कि इस जो घड़ी आई थी हमें, जो पद्मश्री जो सबसे बड़ा अवार्ड है हमारे डुग्गर के लिए, जो खासकर उधमपुर कि उधमपुर में बहुत गतिविधियां हो रही हैं, आज उधमपुर का नाम बड़े जम्मू कश्मीर में गौरव से लिया जा रहा है, तो इनको जो अवार्ड मिलना है, जो इस तपस्या का जो फल मिला है, तो मैं सबसे बड़ा श्रेय इनकी धर्मपत्नी को जाता है कि ये उनकी त्याग है। उन्होंने, मैंने देखा कभी भी, आज मैं कुछ लेख भी लिख रहा था इन पर, जो किताब का अभी जिक्र हो रहा था कि ये नहीं छपने देंगी, वो शायद अगर वो नहीं छापेंगे तो मैं उस किताब को छाप दूंगा। तो ये आपको नहीं लगता कि जिस तरह से कल इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया और इन्होंने ही जो है 2021 में एक उधमपुर की विरासत बुक रिलीज की थी, तो हर बार उधमपुर को ही प्रमोट करते हैं, तो जो पद्मश्री अवार्ड मिला है वो इन्हें ही नहीं पूरे उधमपुर को जो है एक पद्मश्री अवार्ड दिया गया। खाली इन्होंने उधमपुर ही नहीं पूरे जम्मू कश्मीर को प्रमोट किया है। हम बड़े पाडर में भी गए हैं, दूर दराज के पहाड़ों में, जहाँ जहाँ जंगलों में, हमने हर डुग्गर की जहाँ जहाँ विरासत थी वहाँ वहाँ पहुँचे हैं, और वहाँ का इन्होंने सारा उजागर किया है इतिहास को। और जब उधमपुर के किसी व्यक्ति को, खासकर उधमपुर में डुग्गर का इतिहास है, जिस जम्मू कश्मीर का सबसे पुराना इतिहास हमें उधमपुर में ही मिलता है, जितनी भी विरासत और संस्कृति है डुग्गर की, जिसे मदर देश कहा जाता था, आज वो हमारे उधमपुर में ही है। अगर उधमपुर के लोगों को आज ये तीसरे हमारे उधमपुर से पद्मश्री जी हो गए, इससे पहले सतपाल वर्मा जी थे, जितेंद्र उधमपुर जी थे, जब तीन उधमपुर के एक छोटे से गांव को पद्मश्री मिल रहे हैं, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उधमपुर क्या तरक्की कर रहा है। और हमारे जो लेखने आने वाले जो पीढ़ी है उनको भी संदेश है कि ये जो आज अपने हम मोबाइल को देख रहे हैं, जहाँ हम बढ़ कर रहे हैं, उस राग को छोड़कर अपने इतिहास को उजागर करें और अपनी जो डोगरी भाषा है उसको प्रमोट करें, ताकि हमारा कल्चर भी सेव रहे और हमारा देश भी सेव रहे और आने वाली जनरेशन भी सेव रहे। धन्यवाद। क्या बात है। तो ये थे पद्मश्री शिवदत्त निर्मोही जी, जिन्हें कल ही राष्ट्रपति भवन में जो है एक पद्मश्री अवार्ड दिया गया। और कहीं ना कहीं उधमपुर के लिए काफ़ी सम्मानित की बात है, सम्मान की बात है कि उधमपुर जिस तरह से जिन्हें छोटा सा गांव कहा जाता है, वहाँ पर ही तीन पद्मश्री अवार्ड जो है अभी तक आए हैं, और कई बुक्स जो हैं इन्होंने रिलीज़ भी की हैं, और आप ज़रूर पढ़ें। इसी के साथ मुझे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।